हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और चाइना की तरफ से बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम आपको बता दें कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने चीन के ऐसे 50 से ज़्यादा एप्लीकेशन को निशानदेही की है जो भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए बेहद खतरनाक है। जी हाँ, यानी कि सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक इन एप्लीकेशन के जरिए देश और सुरक्षा से संबंधित अहम डाटा भारत के बाहर भेजा जा रहा है। जी हाँ, जिन मोबाइल ऐप्स को देश की सुरक्षा के लिए खतरा माना गया है उनमें टिकटॉक भी है, हेलो भी है, यूसी ब्राउजर, जूम जैसे एप्लीकेशन शामिल है। इसके अलावा महिलाओं के लिए शॉपिंग ऐप सेन और शमी को भी सुरक्षा के लिहाज से बेहद खतरनाक बताया गया है। हम आपको बता दें कि टिकटॉक, हेलो, यूसी ब्राउजर और जूम को आप अपने मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये सभी एप्लीकेशन आपके फ़ोन के लोकेशन और आपके द्वारा इस्तेमाल होने वाली सभी एप्लीकेशन और अहम जानकारियाँ चुपके से अपने पास स्टोर करते हैं। ऐसे में जितने भी भारतीय इन एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं इनकी हर बात ही कंपनी अपने पास रखती है। हम आपको बता दें कि चीनी की हर कंपनी को अपना डेटा चीनी सरकार के साथ साझा करना अनिवार्य है। जी हाँ, यानी कि ये जो एप्लीकेशन आप यूज करते हैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन में, उसकी डाटा जो चीन की कंपनी है वो अपने पास रिस्टोर करती है, आपकी डाटा को चुराती है और इन सारी इन्फॉर्मेशन को चीन के सरकार के द्वारा साझा करती है। जी हाँ, चीनी खुफिया एजेंसी और चीनी सेना इन्हीं डेटा को लेकर देश पर हमला करने की रणनीति तैयार कर सकती है। कई मामलों में ऐसा हो भी रहा है, लेकिन चीनी सरकार इसकी आधिकारिक पुष्टि कभी नहीं करता है। जैसा कि आपको पता है कि चीन की जो भी न्यूज़ होती है वो ज़्यादातर बाहर की कंट्री में वायरल नहीं होती है, और पहुंचती भी है, लीक भी होती है तो बहुत देर से लीक होती है। इस तरह से चाइनीज ये भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गया है। जी हाँ, तो अगर आप यूज करते हैं तो इसको डिलीट कर दीजिए। हम आपको बता दें कि एक अन्य अधिकारी ने बताया कि देश में टिकटॉक, हेलो, यूसी ब्राउजर ऐप्स को इस्तेमाल करने वाले हर व्यक्ति चीनी सरकार के रडार में है। जी हाँ, ऐसे में जाने अनजाने में आप जितने भी वीडियो पोस्ट और बातचीत करते हैं ये सभी जानकारियाँ चीनी सर्वर में स्टोर होता है। इन ऐप्स को चलाने वाली कंपनियां डेटा के साथ छेड़छाड़ की बातों को सिर से खारिज करती रहती है, लेकिन चीनी सरकार को अपना डेटा साझा करने की बात पर कोई कंपनी बात नहीं करती। लेकिन ये बिल्कुल सच है कि जो आप चाइनीज एप्लीकेशन यूज करते हैं उसका डाटा चाइनीज जो कंपनियां हैं वो अपने गवर्नमेंट के साथ साझा करती है। जी हाँ, तो अगर आप चाइनीज एप्लीकेशन यूज करते हैं तो इसको अभी अनइंस्टॉल कर दीजिए। मैंने इसके बारे में ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बना के रखा हुआ है कि कौन कौन से चाइनीज एप्लीकेशन हैं। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दे दूंगा जिसमें मैंने सभी चाइनीज एप्लीकेशन के बारे में बताया है, या फिर यूट्यूब पर और भी बहुत सारे वीडियो हैं जिनमें लोगों ने बताया है कौन कौन से चाइनीज एप्लीकेशन हैं। उन सभी वीडियो को देखिए और इन सारे एप्लीकेशन को अपने एंड्रॉयड फ़ोन से डिलीट करिए। जी हाँ, अभी तत्काल इंस्टॉल करिए। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।